जी आपके साथ। दक्षिण भारत में यह बहस खत्म हो जाएगी 2024 के बाद, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो ऐसा क्या होगा बीजेपी के लिए इन सातों प्रदेशों में कि बहस खत्म होगी? कैसे बदल रहा है 24 का गणित? देखिए गरिमा जी, अगर आप उत्तर दक्षिण भारत के की चीज को देखेंगे तो जिस तरह से आपने बताया कि केरल में हमारे पूरे परिवार का जिस तरह पे संघ परिवार और भाजपा परिवार का जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है उसका पेनिट्रेशन बहुत गहराई से अंदर तक गांव ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन उसको वोट पे कन्वर्ट हम नहीं कर पा रहे थे। किसी न किसी कारण से वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हो रहे थे जिसके ऊपर लोग वोट करते हैं। अगर आप केरला में इस बार देखेंगे तो ये लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, इस सब के बारों से वहाँ के लोगों को समझ में आ गया है कि ये PFI है, ये जो अलगाववादी हैं, या जो लेफ्टिस्ट जो इकोनॉमी है, ना उससे देश की अर्थव्यवस्था या प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, ना उससे जो डिविजिव फोर्सेस है उनको बढ़ावा ज्यादा मिलता है, और देश में विघटनकारी जो तत्व हैं वो आगे बढ़ते हैं और किस तरह से वहां के आम जनता को नुकसान होता है। तो वह नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली वहां की जनता ने एक्सेप्ट किया है, और हमारे बड़े सीनियर लीडर्स सेंटर से भी और जो जिनके रूट्स केरला वगैरह में है वो वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो केरला की बात है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेट है हमारे लिए तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जिस तरह अन्ना मलाई जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम भी कई रैलीज में गए, कार्यक्रमों को देखा है, जिस तरह लोगों का उनके प्रति क्रेज है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने तमिल कल्चर को पूरे भारत के साथ जो अलग तरह की पहचान के साथ वो कई बार जिस तरह से अलग अलग अलगाववादी बातें DMK और ये करते थे कि भाई हाँ दक्षिण का या तमिल का कल्चर अलग है, ये अलग है, उस तरह की बातें, या अभी जैसे यह जो सैम पित्रोदा ने जिस तरह की उलझलूल बातें की है, तो इन सब से वो जो अलगाव की जो भावना थी उन लोगों के अंतर इतनी घर थी, जबकि धार्मिक रूप से गोपाल जी से, गोपाल जी तमिल आप एक सेकंड, गोपाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल, तो वह सब चीजों को नहीं, एक सेकंड, तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं गोपाल जी, तो मैं स्पेसिफिक सवाल तमिलनाडु पर पूछती हूँ। 234 की विधानसभा है तमिलनाडु की और आपके मात्र 4 विधायक हैं, 3% का वोट शेयर तमिलनाडु का, AIADMK जिसकी उंगली पकड़कर आप तमिलनाडु में सियासत करते थे, वो AIADMK इस दफा आपके साथ है नहीं, 3.66% का वोट शेयर AIADMK साथ नहीं है आपके, विधानसभा में मात्र 4 सीटें 234 में। नहीं देखिए गरिमा जी, अगर आपको समझना, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इलेक्शन स्ट्रेटेजी तमिलनाडु की है, हाँ। उसमें या DMK AIADMK दोनों का जो अल्टरनेटिव जो वहां पे सरकारें चलती थी उससे वहां के लोग त्रस्त हो गए थे, ऊब चुके थे, वो एक बदलाव चाहते थे। तमिल कल्चर, तमिल का जो डीप सांस्कृतिक जो कंट्रीब्यूशन है देश की अर्थ देश की पूरी सांस्कृतिक सिविलाइजेशन में, उसको पूरी तरह से मोदी जी ने उजागर किया है और वह चीज वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेप्ट की जा रही है। और जब हमारे पास अन्ना मलाई जैसा वहां का मजबूत नेता है और हमें लग रहा है कि लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं, तो हमें वह उसके साथ चलना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। और 4%, 3% यह जो इलेक्शन में जब वेव चलती है ना, तमिलनाडु में हम एक तरह की प्रो बीजेपी वेव देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, चाहे आप तमिल काशी संगम को देख लीजिए, तमिल स्वराज संगम को देख लीजिए, जिस तरह से तमिल सांस्कृतिक तमिल भाषा तमिल लिटरेचर को सामने लेके ये जो पूरे देश में इस बार बजट में प्रधान वित्त मंत्री जी ने क्या कहा कि तमिल कल्चरल सेंटर पूरे वर्ल्ड में बनाए जाएंगे, हाँ। तो यह चीजें उन लोगों के समझ आ रही है, बहुत बड़ी वेव तमिलनाडु। लेकिन गोपाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल की बात देखी, ये तो माना जा सकता है, ये तो माना जा सकता है, चंद्रबाबू नायडू कह लीजिए, गोपाल कृष्ण आप आंध्र प्रदेश की बात करना चाहते हैं ना, हाँ प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। हाँ देखिए, अब आंध्र प्रदेश में मैं मानता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू
एक मोस्ट अंडररेटेड चीफ मिनिस्टर किसी प्रदेश के रहे, जिस तरह से उन्होंने कंबाइंड आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट किया है, हैदराबाद का विजनरी डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से आप कई लोग तो कहते हैं ही इज अ विजनरी लीडर हु केम बिफोर हिज टाइम। तो मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू का कॉम्बिनेशन जो आंध्रा में हो रहा है वह उसको भी हमने देखा है कि किस तरह से उसके प्रदेश के विकास के लिए काम करेगा। तो यह जो कर्नाटक में हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, तेलंगाना को देखिए, जब हमने तेलंगाना में नेशनल एग्जीक्यूटिव की थी हैदराबाद में स्टेट इलेक्शन के पहले, उस समय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सभी लोगों को 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको तीन तीन दिन रहना है, वहीं पे रहना है, एक एक 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी से में हम सब लोग। चलिए ठीक है गोपाल कृष्ण, आप मुझे ये बताइए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अब ये जरा छोटे छोटे सवाल में ले रही थी गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ठीक है सर, अब ये बताइए कि कर्नाटक में आपने जिस 25 सीटों पर कहा कि भाई आपका परफॉर्मेंस बढ़िया था, अब आपकी सरकार नहीं है कर्नाटक में और 64 पर रह गए आप। नहीं देखिए ये तो कर्नाटक में हमें लॉस हुआ है, हमने स्टेट इलेक्शन में जिस तरह से हमें सेटबैक मिला उससे हमने बहुत लेसन्स भी लर्न किए, और उसके कारण आप उसके बाद जो तीन स्टेट्स के इलेक्शन आए मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़, हम हिंदी पट्टी हमारी हिंदी पट्टी की बात नहीं कर रहे, हिंदी पट्टी की बात नहीं कर रहे, बढ़िया परफॉर्मेंस रही, लेकिन कर्नाटक में सरकार नहीं, कर्नाटक में विधानसभा में खारिज किया, तेलंगाना में विधानसभा में खारिज किया वोटर्स ने, नहीं तेलंगाना में खारिज नहीं किया, वहां पे हमारी प्रेजेंस ग्राउंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल मजबूत नहीं थी साउथ में, तेलंगाना में हमने बहुत मजबूत किया, कर्नाटक में जो लॉस हुआ उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिनाई नहीं कर रहे, उससे हमने बहुत सारे लेसन्स कर्नाटक में भी किए, तो कर्नाटक में अगर लॉस होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर ही रहे कि हमें प्रदेश जो सरकार वहां बनाने में स्टेट इलेक्शन में लॉस हुआ है उसके कई रीजंस थे जिसको हमने बहुत स्ट्रांगली एनालिसिस किया और उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी जल्दी तो से गोपाल हमारी ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए ठीक है कर्नाटक में प्रेजेंस आप मान रहे हैं 2019 के बनिस्पत, लेकिन 19 के बाद कर्नाटका में इलेक्शन आया 23 में, और उसके बाद कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई, तेलंगाना में आपने दावा किया सरकार बनाएंगे, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जब मैं बात करती हूँ तमिलनाडु की 39 में से 0, आंध्र की बात करती हूँ तो 25 में से 0, केरला की बात करती हूँ तो 20 में से 0, पुडुचेरी लक्षद्वीप की बात करती हूँ तो भी 0-0, तो ये 0-0 बहुत कुछ कहता है क्या, ये चुनौती है क्या बीजेपी के खेमे में? नहीं चुनौती तो थी 2019 में, दक्षिण हमारे लिए चुनौती था, इसीलिए हमने 5 साल वहां पे बड़ी मेहनत की है, और उस चुनौती को अगर 2019 की चुनौती को हमने नकार दिया होता तो आज 2024 की जो स्थिति मैंने आपको केरला तमिलनाडु आंध्रा तेलंगाना में बताई है वह नहीं होती। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, वहां पे 5 साल मेहनत की, संगठन को मजबूत किया, वहां के इश्यूज को समझते हुए उसको